Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, welcome to our channel. Let's explore. First of all, happy Ramzan. Happy Ramzan, guys. Your boys are back with another vlog. Actually guys, ये vlog एकदम ही random है, किसी का कोई plan नहीं था पहले से, और अभी हम लोग सुहाना मौसम है, चांदनी रात है, सोचा चलो निजामुद्दीन चलते हैं बिरयानी खाने. आज रात हम night out कर रहे हैं ऐसे घूमने वूमने, अभी रात के 10:30 बजे के आसपास. अभी रमजान में vlog कम मिलेंगे क्योंकि रमजान है, मेरा रोजा है तो दिन को नहीं निकल पाता, तो हाँ रात का भी है तो रात को दिन को नहीं जाते, तो आज रात को सोचा हमने एक ब्लॉग बना लेते हैं ऐसे ही थोड़ा. और गाइस आपको हमारी आदत तो पता ही है, अब हम जहाँ भी जाएंगे आपको लिए बिना तो जाएंगे नहीं. तो अच्छा आगे थोड़ा सा अंधेरा है, अभी हम लोग निजामुद्दीन जा रहे हैं, वैसे तो वो पास ही है बट हम लोग बाइक वाइक नहीं इसलिए नहीं रहे ताकि साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके. राज को हो गया. अच्छा ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, अभी अभी हम थोड़ा आगे आए हैं निजामुद्दीन की तरफ, अभी जा रहे हैं निजामुद्दीन. दोस्तों बेसिकली हम बताना चाहते हैं क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में मैं तो रोज़ा रखता हूँ राज के साथ, तो हम दोनों रोज़ा रखते हैं तो दिन को तो व्लॉग बना नहीं पाएंगे एक महीना, तो इसलिए आज रात को हमने सोचा. आज कौन सा डे है राज? सेकंड डे है ना रमज़ान का, आज सेकंड डे बोलने वाला हूँ. आज सेकंड डे रमजान का, तो हमने सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं. आज मंगलवार भी नहीं है तो हम खा सकते हैं चिकन, तो निजामुद्दीन चिकन खाने. हाँ निजामुद्दीन बहुत फेमस है ना दिल्ली में चिकन वगैरह के, नॉनवेज के लिए, तो चलते हैं. और हम दुआ करते हो इंशाल्लाह आप पूरा रमज़ान अच्छे से, क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी, दिल्ली में बहुत गर्मी है, तो आप अच्छे से रोज़ा रख पाए. और ऋतिक भाई कुछ कहना चाहते हो? और भव्य, हाँ इनकी वीडियोस मतलब हमारी वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, हमारी वीडियो सब्सक्राइब करो, आई मीन लाइक चैनल सब्सक्राइब करो यार. दोस्तों एक बात बताओ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? हम इतना मेहनत करते हैं, आपको देखो रात के 1 बजे हम जा रहे हैं बाहर, रात के भी 12-1 बजे. किसके लिए? सिर्फ आपके लिए. 12 बज रहे हैं, हम 3 बजे तक जाएंगे वहाँ, 3 बजे तक करो, हम आपके लिए करते हैं, हमें बस शौक है इस चीज़ का तो कर रहे हैं. आप थोड़ा सपोर्ट करो, और आपको हमारे वीडियो में जो गलत लगता है जो सही लगता है आप हमें कमेंट में अपने सजेशन बताओ, हम उसे सुधार सके. लाइक नहीं करना तो लाइक मत करो बट सब्सक्राइब करो ताकि हमारी वीडियोज कम से कम आप तक पहुँचे. हाँ सब्सक्राइब कर दो हमें सपोर्ट करो, फ्यूचर में कंटेंट अच्छे मिलेंगे बहुत, क्योंकि अभी अभी तो हमने स्टार्ट करा है, धीरे धीरे सब कंटेंट अच्छे हो गए. हम अब पहले हम फोन से बनाते थे, अब कैमरे से बनाने लग गए व्लॉग्स, अब माइक वाइक सब लेंगे, सब कुछ मतलब धीरे धीरे सब हो जाएगा. तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अभी आप वीडियो हम लोग देखो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास आ चुके हैं. निजामुद्दीन यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है, वहाँ पे काफी सारे, थोड़ा आगे चले देखो, रोडों में कोई है नहीं ज्यादा लोग, रात के 12 बज रहे तो अभी चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए. तो दोस्तों देखो हम यहाँ से दीवार टाप के जा रहे हैं, रास्ते बंद है यहाँ पे. हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड, दीवार टाप लो, दीवार टाप लो. तो अभी मैं तो अभी मैं भी चलता हूँ. देखो इसे इसे देखो इसे देखो उतरने की मौका है दोस्तों. अब मैं ना मेरे को पकड़ा करता ले कैमरा ले दिखेगा नहीं किसी को, देखा इसके खून में ही चोरी है. मजा आ रहा है. अच्छा गाइस देखो यहाँ पे सामने ना कुत्ते बहुत हैं, ठीक है, और पीछे भी कुत्ते बहुत हैं, 3-3 आपको दिख रहे हैं. अबे यार पीछे ना पड़े कुत्ते, हमें पता नहीं एक्चुअली ना, हमने शॉर्टकट मारने का ट्राई किया था और हम दीवार के ऊपर से कूद गया यहाँ पे. और ये सामने वाला कुत्ता बहुत भौंक रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ. राज जा आगे जा, देखा डर गया राज के आगे जाने से. सुन अच्छा देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कुत्ते हैं गाइस, और एक कुतिया. पर ये कुतिया हमें डर नहीं लगता किसी से, हम रात को भी जाएंगे. चिकन खाने की तो बात दूर तक है, हम लोग बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. यहाँ पे सब सो रहे हैं रात को, जगाए सबको, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं. बाय द वे बेल बजा के भागो, बेल बजा के. यहाँ पे सामने घाट है, यहाँ पे घाट है, हाँ सोसाइटी में यहाँ पे घाट पकड़ लिया. हम एक डंडे बजेगा से छत पर टाप टूप के आ गए, छत का सॉरी दीवार टाप के आ गए जैसा आपने वीडियो में देखा, और अब
बस चले जा रहे चले जा रहे देखो देखो एक और कुत्ता है। अरे भग गया, तो राज को देख के भग गया। वैसे राज भी खतरनाक, आप ही कहीं भी लड़ाई हो जाए ना, देखो आपको लड़ाई हो जाए ना तो कमेंट कर देना, हम भेज देंगे राज भाई को। देखो इसकी लड़ाई होगी, राज को बुला रहे दोस्तों। देखो यहाँ पे कुत्ते बहुत है, रात को 12 बज रहे हैं, 12:30 तो बीच चलते हैं। सो वही, और हम जैसे निजामुद्दीन पहुंचेंगे आपको दिखाएंगे कि हम पहले हम खुद देख लेंगे पहुंचे कि नहीं, उसके बाद बताएंगे। अबे गोल चक्कर में मोंटी के साथ आए थे शायद, शायद हम ना भाई देख चिकन मसाला। अबे इधर आ जा, अरे इतने देर से भौंक रहा है। यहाँ पे अभी गाइस किसी से रास्ता पूछ रहे हैं और फिर जैसे निजामुद्दीन पहुंचते हैं आपको बताते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो ऋतिक भाई यहाँ पे पानी पी रहे पेट्रोल पंप पे, तो सब पीने आए हैं। अभी हमें प्यास लगी थी दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पानी पीने, देखो पेट्रोल पंप का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कंपनी कौन सा है, पैसे दो हमें, पैसे निकालो इनसे। अब ऐसे लेम जोक मत मार चलता। दोस्त अभी हम पानी पी लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। अंदर बंद पड़ा है हमारा। सो गाइज हम लोग निजामुद्दीन आ चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादातर दुकानें बंद हैं जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखो अलीबाग जा रहे हैं, और अभी हमने भैया से पूछा तो वो बता रहे थे कि अंदर अभी आपको दुकानें खुली हुई मिलेंगी जहाँ पे आप चिकन विकन जो भी आपको खाना है आप खा सकते हो। तो हमारा बड़ा भाई और सब कुछ, तो अभी आगे जा रहे हैं, जैसी कोई दुकान मिलती है तो आपको दिखाते हैं, ठीक है बाय। अच्छा देखो ये पराठा है, काफी बड़ा है, और ये हलवा है। क्या रेट है एक पराठे की? दोनों मिला के 250 ग्राम। अच्छा 30 रुपए का 250 ग्राम, मतलब आपको ये 120 रुपए का 1 किलो मिल जाएगा। वैसे काफी अच्छा है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेन तो मैं यहाँ पे चिकन खाने आए हैं, और ये देखो यहाँ पे कबाब बन रहे हैं और सारी चीजें हैं आगे, मतलब भंडार लगा पड़ा है इन सब चीजों का। और यहाँ मेरे दोस्त बैठे हैं, ये सब अभी डिस्कस कर रहे हैं जी कहाँ पे क्या खाना है। पीछे एक मार्केट, एक रेस्टोरेंट था पीछे, बट वो उतना अच्छा नहीं था, वहाँ पे काफी चीजें नहीं थी। तो गाइस हम यहाँ पे, वैसे आपको कोई प्रॉपर दुकान तो मिलने नहीं वाली यहाँ पे, सारी बहुत रशी एरिया है तो यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, बट आपको तो पता है इंडिया इज ऑल अबाउट स्ट्रीट फूड्स। तो अभी हमने यहाँ पे रोड स्ट्रीट चिकन करवाया है और अभी वो बन रहा है, तो आपको थोड़े बहुत क्लिप्स दिखा देंगे उसके, बहुत अच्छे। देखो दोस्तों ये रहा, यहाँ पे भैया बनवा रहे हैं रोस्टेड चिकन, हमने बनाया और ये भैया बनवा रहे हैं। और भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे चिकन फ्राई और बिरयानी वगैरह सब मिलेगा। तो अभी यहाँ पे खा के पहले ही खाते हैं, फिर कुछ और भी खाएंगे, यहाँ से नहीं खाएंगे कहीं और से खाएंगे, क्योंकि एक्सप्लोर करते ना सारे रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे रेस्टोरेंट तो है नहीं, सारे स्ट्रीट फूड है। तो अभी ये खा के तो थोड़ा आगे मिल। सो गाइस हमारा इंतजार खत्म हुआ, हमारा चिकन आ चुका है, हम तो खा रहे हैं और मजे करो। दिन में तो हमने शिमला में भी बहुत बोला था ये चीज, वन लाइफ बेबी। वैसे हाँ हाँ याद आया, सॉरी यार शिमला के कोई ब्लॉग आपको मिलेगा नहीं, मुझसे सारे सीन डिलीट हो गए। एक्चुअली क्या हो गया, हमारी मैम यहाँ पे भर गई थी और हमने नया मेमोरी कार्ड लिया, जब उसके अंदर शूट कर लिया तो वो उसकी वीडियो करप्टेड हो गई, तो हमने जोर तोड़ के जो वीडियो वापस रिकवर कर पाए हमने उसकी वीडियो बना ली, बट शायद उतने अच्छे से ब्लॉग ना मिला, तो उसके लिए सॉरी। शिमला का एक और ब्लॉग है, वो भी डलेगा इस वीडियो के बाद कुछ दिनों में। और ये देखो रुमाली रोटी, बाय 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 बाय।
भाई अभी हमने रोस्टेड चिकन खा लिया, आप पसीना देखो बहुत हो रहा है, अभी बिरयानी और खानी है, बिरयानी ज़्यादा खा नहीं पाऊंगा असल में, चिकन बहुत ज़्यादा था। अभी देखते हैं यहाँ पे काफ़ी बिरयानी की दुकान है, अभी हम देखते हैं कौन सी बिरयानी की दुकान में जाना है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बिरयानी खा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बिरयानी खाने जा रहे हैं, भैया की दुकान नाम है सोए सोए मुरादाबाद बिरयानी। और रुको मैं आपको भैया को दिखाता हूँ, ये देखो ये रे भैया, और अभी हम लोग बिरयानी बिरयानी निकलवा रहे हैं। आपको मैं अंदर का शॉट दिखाता हूँ, सोएब भाई का ले लिया है भैया, तो मैं अंदर का शॉट दे रहा हूँ। तो भाई अभी हम अंदर आ चुके हैं और देखते शायद कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ 50 रुपये की और 50 रुपीज़ की एक क्वार्टर आपको मिलेगी बिरयानी। और भैया ये एक बार खाओगे दोबारा मांगोगे ऐसे? हाँ एक बार खाओगे दोबारा मांगोगे, दूसरी बार फ्री में देंगे भैया। अच्छा गाइस तो हम लोग बैठ रहे हैं और देखते हैं, तो गाइस जैसा कि आपने आज के ब्लॉग में देखा तो यहाँ पे शोएब मुरादाबादी बिरयानी में आए थे और यहाँ की बिरयानी सीरियसली बहुत टेस्टी थी, भैया ने बनाई थी। और भैया ने भैया आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुन लो, मिल जाएगी। और अब चलो बंद करते हैं आज के लोग, यहीं तक रात बहुत होगी, घर से कॉल आ रहा है।